तो गाइस फिर से लेकर आ चुका हूँ न्यू अपडेट का टॉप 10 मीथ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के। तो गाइस इन मीथ को देखने के बाद आपका रिएक्शन होने वाला बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि भाई ये छोटे मीथ और बहुत ज्यादा अमेजिंग मीथ है। तो गाइस मैंने इन मीथ को भाई हद से ज्यादा छोटा रखा है, क्योंकि आप लोग बड़े मीथ देखते हो तो भाई बोर हो जाते हो, इसी वजह से मैंने छोटे मीथ रखे। तो भाई पहली वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जो कि आप लोग करते नहीं हो, मुझे पता आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया। चलो गाइस मीथ को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और हाँ गाइस दोबारा से बोल रहा हूँ यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बाइक का मीट है, मीट अगर हम नाइट मोड लगाकर कार शोरूम के अंदर जाओ, फिर देखो मैजिक। तो गाइस मैं ऑलरेडी भाई कार शोरूम के पास आ चुका था, मैं फटाफट से नाइट मोड को लगा ले। तो अब मुझे भाई अंदर जाके देखना भाई क्या मैजिक होता है, क्या जादू होता है। भाई मुझे तो कुछ लग नहीं रहा इसके अंदर कुछ जादू होगा। तो हाँ तो गाइस फाइनली हम अंदर आ चुके हैं गाइस, अब मुझे देखना भाई क्या जादू होगा। भाई मुझे तो अभी तक इसमें कुछ जादू नहीं दिखा, आप लोग भी देख सकते हो। अब गाइस मुझे ऐसा लग रहा है बाइक का मीट का कहना यह था कि हम नाइट मोड लगाएंगे अंदर भी भाई इसके कार शोरूम के अंदर नाइट मोड हो जाएगा। तो हाँ भाई फाइनली वो तो होएगा ही होगा, हम दिन करके देख लेते हैं आप लोग जब पसंद। ओ भाई फाइनली समझ गए, मतलब कि गाइस जैसे हम नाइट मोड को हटाएंगे तो भाई कार शोरूम के अंदर दिन हो जाएगा, और जैसे हम नाइट मोड को लगाएंगे तो फिर दोबारा से रात हो जाएगी। मतलब कि मैं समझ गया भाई का मीत का यही जादू कहना था। तो भाई का मीत देखो भाई कन्फर्म ही है। नेक्स्ट मीत है मीत अगर हम फोन निकाल कर वापस जेब में रखे और जल्दी से कैमरा एंगल चेंज कर दे तो कैरेक्टर का फोन इनविजिबल हो जाएगा। तो समय पहले गाइस मुझे अपने फोन को निकालना होगा। तो चलो गाइस फटाफट से मैंने अपने फोन को निकाल लिया, अब मुझे फोन को रखते रखते कैमरा एंगल चेंज कर दिया। ओ भाई फाइनली हाँ गाइस हमारा फोन इनविजिबल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। गाइस मैंने फर्स्ट बारी में इसे सही कर दिया और मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लगा, बहुत ज्यादा अमेजिंग भी लगा, और तो गाइस बहुत ज्यादा इजी है। तो आप लोग भी इस मीट को ट्राई करना, तो भाई का मीट होता है बिल्कुल कन्फर्म। यार गाइस ये चीज मुझे ज्यादा फनी लगी, हमारा फोन इसके हाथ में है नहीं पर ये देखे जा रहा है। नेक्स्ट मीट है मीट न्यू हेलीकॉप्टर में दरवाजा नहीं है तब भी बंदा बैठने पर दरवाजा खोलता है। तो चलो भाई फटाफट से हेलीकॉप्टर को स्पॉन कर लेते, जो हमारा न्यू वाला हेलीकॉप्टर है उसमें देखना दरवाजा। हाँ भाई फाइनली दरवाजा तो है नहीं, बिल्कुल आर पार हमें दिख रहा है। अब चलो गाइस बैठने पे देखते हैं कि हमारा दरवाजा भाई खोलता है कि नहीं। ओ भाई फाइनली हाँ गाइस आप लोग देख सकते हैं इन्हें अपने दरवाजे को खोला। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही फनी है भाई, इसमें दरवाजा है नहीं और उतरने पे भी दरवाजा बंद कर रहा है। गाइस ये तो बहुत ज्यादा फनी मीट है, चलो कोई बात नहीं भाई का मीट होता है बिल्कुल कन्फर्म। नेक्स्ट मीट है मीट कार शोरूम शीशे पर स्टिकी बॉम्ब लगातार एक साथ लगाते रहो फिर देखो मैजिक, प्लीज टेक माई मीट। तो गाइस फिर दोबारा से मैं कार शोरूम पे आ चुका हूँ, बट मुझे स्टिकी बॉम्ब लगाना एक ही जगह कई सारे स्टिकी बॉम्ब लगा के देखते हैं। फटाफट स्टार्ट कर दिया हमने। ओ भाई फाइनली गाइस ये तो काफी ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं, एक ही जगह पे स्टिकी बॉम्ब लगाते जा रहा हूँ। ओ भाई कितने ज्यादा बड़ा हो गया स्टिकी बॉम्ब। यार गाइस आप लोग देख रहे हो भाई हमारा एक छोटा सा स्टिकी बॉम्ब इतना ज्यादा बड़ा हो गया, काफी ज्यादा बड़ा आप लोग देख सकते हो। भाई आप लोग भी इस मीट को ट्राई करना, बट हम इसे फोड़ के भी देखेंगे कि हमारा शीशा भाई फूटता है क्या नहीं कार शोरूम का। तो चलो गाइस फटाफट से इसे ब्लास्ट करके देखते हैं थोड़ी सी पीछे जाके। एंड गाइस मुझे तो लगता है फूट सकता है बट नहीं भी, क्योंकि यार काफी ज्यादा मजबूती टाइप का होगा ना। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। हो चुका है भाई फाइनली ब्लास्ट, ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, हमारा शीशा कुछ ब्लास्ट नहीं हुआ, बट हाँ हमारा भाई स्टिकी बम काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। तो भाई का मीट बिल्कुल कंफर्म है। नेक्स्ट मीट है मीट आरजीएस टूल में जाके फोन कलर ग्रीन लिखो, फिर चैलेंज में जाके फोन खोलो तो आपका फोन फिर से रिसेट होकर रेड हो जाता है। अब देखो गाइस जो भाई ने मीट में कहा ना ये चीज मैं पहले कर रहा था, भाई मुझसे तो हुई नहीं थी, मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी बट भाई का तरीका अलग, बार ट्राई कर लेते फिर देखें क्या पता हमारा रेड हो जाए भाई। तो चलो गाइस फटाफट से मैंने फोन कलर ग्रीन तो लिख लिया, एंड गाइस हमारा ग्रीन भी हो चुका। अब मुझे भाई चैलेंज में जाके कोई सा भी ऑप्शन चुन लेंगे, फन ट्रैक जो भी हम फन ट्रैक चुनेंगे, फिर वहां जाके देखेंगे कि हमारा फोन रेड होगा क्या नहीं। तो हाँ तो गाइस मैं चैलेंज में जाके फन ट्रैक चुन लिया था, बट अब भी भाई हमारा ग्रीन का ग्रीन ये रेड नहीं हुआ, बट भाई ने बोला था रेड हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं एक बार प्ले करके देखते हैं प्ले में क्या पता हमारा रेड हो जाए। चलो गाइस फटाफट से बैक करते और प्ले करते हैं। एंड गाइस मुझे लग रहा है इस बार प्ले में हो सकता है। तो चलो गाइस फोन निकाल रहे, बट गाइस देख सकते हो गाइस ग्रीन का ग्रीन हमारा रेड नहीं हुआ, क्योंकि गाइस मैंने काफी जब पहले अपडेट आया था मैंने बहुत ज्यादा ट्राई करा था बट ये चेंज नहीं होता, खुद ही करना पड़ता है। तो भाई का मीट बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट मीट है मीट एनपीसी को मार के उसके ऊपर सिर्फ एक स्टिकी बॉम्ब लगाओ, थोड़ी दूर जाओ फिर ब्लास्ट करने के बटन पर बार बार क्लिक करो, रुकना नहीं है। तो देखो गाइस मैंने एनपीसी को भी मार दिया, अब गाइस मैं इस पे स्टिकी बॉम्ब लगा देता हूं फटाफट से। अब मैं थोड़ी सी दूर जाऊंगा फिर मुझे बार बार ब्लास्ट करने वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो चलो गाइस निकाल लेते ब्लास्ट करने वाला बटन, एंड गाइस देखते रहने में बार बार टैप कर रहा हूं। ओ भाई फाइनली एक स्टिकी बॉम्ब कितनी बार ब्लास्ट हो चुका है। गाइस ये मीट तो भाई एक स्टिकी बॉम्ब को हम बार बार ब्लास्ट कर सकते हैं, भाई काफी ज्यादा अमेजिंग थे। एंड गाइस बहुत ज्यादा शॉकेट, और तो गाइस ये हवा में जाके भी काफी बार ब्लास्ट होता है। तो प्लीज आप लोग इस मीट को ट्राई करना, बहुत ज्यादा इजी है। तो भाई का मीट होता है बिल्कुल कंफर्म। नेक्स्ट मीट है मीट फर्स्ट पर्सन में रनिंग एनिमेशन चेंज हो गया, प्लीज 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 टेक माई मीट। अब गाइस देखो मैंने रनिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट देख लेते कि एनिमेशन चेंज हुआ कि नहीं। भाई मुझे तो वैसे का वैसे ही लग रहा है जैसे हमारा पहले था, भाई मुझे कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं लग रही। वैसे गाइस मैं आपको रियल में बताऊं, मुझे तो भाई बिल्कुल पहले जैसे
कैसे लग रहा है। और तो गाइस मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह से ये दौड़ता था, तो आपको बताना होगा भाई ये मीत ये कंफर्म है या बशीडे मैंने सही करा है क्या नहीं। आप इस मीत को प्रॉपर तरीके से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे तो गाइस मुझे रनिंग में चेंजिंग नहीं लग रही, बट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट मीत है मीत रॉयल्स रॉयस को स्पॉन करो और पिस्टोल को निकाल के कहीं भी मारते रहो। मारते मारते रॉयल्स रॉयस में बैठना है, फिर गाड़ी को चलाना है, फिर कार को स्टॉप करना है, उतरना है, फिर पिस्टोल को लेके एम वाले बटन पर क्लिक करना है, देखना मैजिक। तो चलो गाइस रॉयल्स रॉयस को स्पॉन कर ले। एंड गाइस अब मुझे पिस्टल के एम रख के कहीं पर भी मारते रहना है। मारते मारते मुझे रॉयल्स रॉयस के अंदर बैठना है। तो आप लोग देख सकते हो भाई मारते मारते मैं रॉयल्स रॉयस के अंदर बैठ जाता हूँ फटाफट से। तो हाँ तो गाइस मैं बैठ तो चुका हूँ। अब गाइस मैं थोड़ी सी दूर चला के अब मैं इसके अंदर से उतर जाता हूँ। फिर भाई पिस्टल को निकालना है, फिर एम खोलना है, फिर देखना है क्या मैजिक होता है। चलो गाइस पिस्टल को निकालते फिर एम खोलते। ओ भाई फाइनली आप लोग देख सकते हो गाइस हमारी जो पिस्टल है भाई अपना भी अपना आप चल रही है। गाइस आप लोग ये मत सोचना कि इस पिस्टल को मैं चला रहा हूँ, ये अपना भी अपना आप चल रही है। बट यार ये मीत मैंने पहले भी करा था बट मुझे ध्यान में नहीं था इस तरह से था। चलो कोई बात नहीं, भाई ने दोबारा स्टार्ट कर ली इस मीत को हमने, तो भाई का मीत होता है बिल्कुल कंफर्म। नेक्स्ट मीत है मीत मेगारैम पे। अगर आप जेट का चीट कोड लगाओगे तो जेट नहीं आएगा। तो गाइस ऑलरेडी मैं मेगारैम पे आ चुका हूँ। फटाफट से आरजेएस टूल में भाई जेट लिख कर देखते हैं कि हमारा जेट यहाँ पर आता है क्या नहीं आता। गाइस जैसे मैं जेट लिखता हूँ और भाई एंटर करता हूँ ना भाई जेट की इतनी तेज आवाज आती है जैसे हमारे सर के ऊपर ही हो। तो भाई आप लोग इस मीत को ट्राई करना, बट अभी तक तो भाई हमारा आसमान में जेट स्पॉन नहीं हुआ है। अब गाइस मैं आसमान में काफी देर तक देखता हूँ बट भाई मुझे जेट कहीं से कहीं तक स्पॉन नहीं होता। पर भाई जब मैंने एंटर करा था ना मुझे इतनी तेज जेट की आवाज आती है जैसे सर के ऊपर ही हो। चलो कोई बात नहीं, भाई का मीत होता है बिल्कुल कंफर्म। गाइस आप लोग भी इस मीत को एक बार ट्राई करना, बहुत ज्यादा इजी मीत और बहुत ज्यादा खतरनाक मीत है। नेक्स्ट मीत है अगर आप कार शोरूम पर अंदर जाकर कोई कार स्पॉन करोगे तो कार स्पॉन होगी नहीं। तो गाइस मैं तीसरी बार कार शोरूम के अंदर आ चुका हूँ। चलो कोई बात नहीं भाई, ट्राई करते अंदर जाके अपनी कार भाई स्पॉन होती है क्या नहीं। तो चलो गाइस मैं बुगाटी को स्पॉन कर लेता हूँ। मुझे नहीं लग रहा स्पॉन होगी क्योंकि भाई हमारे इस छत के ऊपर अपनी बुगाटी आ पाएगी भाई, मेरे को शायद लग रहा है और ऐसा ही होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते एक बार एक और गाड़ी को स्पॉन कर लेते हैं मस्टंग जीटी को। भाई ये भी नहीं आई क्योंकि गाइस यार जाहिर सी बात है खुली हुई छत थोड़ी होगी जो कि हमारी स्पॉन हो जाएगी। बट हाँ यार हम बिल्डिंग के अंदर जाते थे तो बिल्डिंग के अंदर टैंक वैंक स्पॉन हो जाता है, तो भाई का मीत का भी कहना सही है। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी पीछे जाके देखेंगे पीछे से हमारी छत पे स्पॉन दिखेगी क्या नहीं बुगाटी कार। तो हाँ तो गाइस मैं अपनी गाड़ी उठा के पीछे आ चुका हूँ। बट गाइस आप लोग देख सकते हो हमारी भाई कार शोरूम के ऊपर छत पे आपको छोटी सी भाई बुगाटी दिख रही होगी, बिल्कुल रियल है जैसे मैंने बोला था ना कि इसकी छत पे बुगाटी स्पॉन होने वाली है, नीचे नहीं होगी। तो चलो कोई बात नहीं, भाई का मीत होता है बिल्कुल कंफर्म। तो हाँ तो गाइस मैंने आपको आज की वीडियो में टॉप 10 मीत बतला दिया भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक मीत थे, बहुत ज्यादा इजी भी थे और फनी भी थे कुछ तो भाई हमारे इतने। तो भाई कार शोरूम के मीत आए भाई काफी ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, आपको काफी पसंद आएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस अपने अपने मीत मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।